हिट एंड रन को लेकर के मामला अभी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रोज कोई ना कोई नए बयान इसको लेकर के आ रहे हैं और अभी भी ये पूरा जो मामला है चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हमारे साथ लखनऊ में इस समय मौजूद और हमारे साथ रजनीश मिश्रा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर अब उनका स्टैंड क्या है और जो नए नए तरीके से बयान आ रहे हैं सामने, क्या सोचते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। अंजलि जी, मैं आपको बताऊँ, मैं अकेला इस आंदोलन में, मेरा अकेला भूमिका नहीं है। ये समस्त जितने भी हमारे चालक बंधु खड़े हैं, परिचालक बंधु सभी इसके शिकार हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सेंट्रल रीजनल कर्मचारी वर्क कर्मचारी संघ के मान सिंह जी, ये भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम लोग साथ साथ, ये सभी कर्मचारियों की समस्याएं हैं। सभी जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो कार चलाने वाला हो, चाहे बस चलाने वाला हो, चाहे ट्रक चलाने वाला हो, चाहे बाइक चलाने वाला हो, ये सारी सभी की समस्याएं थी। मैं लगातार 3 दिन से मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने आप लगातार आपके चैनल को भी देखा है, विभिन्न चैनलों को मैं देख रहा हूँ। सरकार ने एक प्लान कर रखा है, सरकार ने एक प्लान किया है कि कुछ मीडिया तंत्र को छोड़ दिया है, कुछ वकील को छोड़ा। मैंने कल देख रहा था, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील सर्वोच्च न्यायालय के बता रहे थे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। समझने में गलतफहमी है, वो कह रहे केवल बता के आप चले जाइए। एक बात बताइए, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, ये चालक हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं और सामने से कार वाला आके किसी को टक्कर मार देता है। वो वक्त टक्कर खाने के बाद इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, मार के तो वो चला गया, पकड़े ये मौके पर गए। ये अगर निकल जाते हैं वहाँ से तो ये सूचना दें कि साहब फला गाड़ी से वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है। पुलिस पूछेगी कि पहले बताइए आप कौन बोल रहे हैं, इनका नंबर ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद इनका नाम पता नोट करेंगे। कार वाला जब नहीं मिलेगा तो वो केस तो इनके नाम आ जाएगा ना, पुलिस तो मुकदमा लिखना है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कर चालक के सामने आ रही है ना। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि कानून अपना बनाएं, कानून बनाएं, लेकिन उनके लिए बनाएं जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जो 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। एक बात बताएं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेकर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा अगर ड्राइवर, तो कितनी दूर भाग पाएगा? किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बाद में हमारा ड्राइवर, चाहे ट्रक का हो चाहे बस का हो, वो सिर्फ इस तलाश में रहता है कि या तो सुरक्षित जगह मिल जाए या कहीं पुलिस स्टेशन हमको मिल जाए जहां हम पुलिस के, हमें पब्लिक की मार से बचने के लिए हम कहीं जाके पुलिस के हवाले कर दें जाके गाड़ी को। और 90% हमारे चालक यही तो करते हैं, फिर केस को बनाने की ज़रूरत क्या है कानून को? आप जबरदस्ती ये थोपने की आवश्यकता क्या है? और मैं देख रहा हूँ कि पूरा इसको लगा दिया गया है, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है इसको लेकर। कहीं कोई मंत्री का बयान आ रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अपनी ज्ञान आप दे रहे हैं। ज्ञान देने से मतलब सुधार नहीं होगा। अगर सुधार करना है तो आप अमेरिका आप जाते हैं, मैंने माननीय मंत्री जी अमेरिका गए, वहाँ ब्रिटेन गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, जापान गए, कनाडा गए, वहाँ की सड़कें आपने देखी। लेकिन मैम आप देखिए, जिस लेन में कार चलाने, बाइक चलाने के लिए लेन छोड़ी जाती है, यहाँ तो पैदल के लिए जो बनाया गया उसमें भी लोग बाइक और कार घुसेड़ देते हैं अगर जाम लगता है। तो पहले आप स्ट्रक्चर को सुधारिए, आप एक स्ट्रक्चर को सुधारिए कि यहाँ बसें चलेंगी, ट्रकें चलेंगे इस लेन में, दूसरा नहीं घुसेगा, और घुसेगा तो ऑटोमेटिक उसका चालान हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो विदेश में है कि उसके खाते से पैसा कट जाएगा, 10,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा सब कुछ। जब लोग लेन तोड़ेंगे नहीं, लाल बत्ती नहीं क्रॉस करेंगे तो कैसे दुर्घटना हो जाएंगी? उसी में कार चला रहे हैं आप, उसी में बाइक वाले को चलवा रहे हैं, उसी में रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो और उसके बाद आप कहते हैं चालक दोषी है। कैसे चालक दोषी है आप बता दीजिए। आप सर, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से अब आपकी क्या मांग है? ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये कानून नहीं रुका तो अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पे आप लोग जाएंगे। मैम देखिए, हम मजदूर हैं, ये जितने भी चालक हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी वो मांग नहीं, डिमांड नहीं सरकार से। लेकिन सरकार अगर जबरन हमें फंसाने का काम करेगी, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई कानून थोपने का काम करेगी, मैं प्रधानमंत्री आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, मेरी यही अपील है सभी चालकों की तरफ से कि इन गरीब चालकों का ध्यान रखा जाए। हम जानबूझ के कोई दुर्घटना नहीं करते हैं। दुर्घटना के लिए आप स्ट्रक्चर तैयार करें, वैसी सड़कें तैयार करें। आप ये कहें कि यहाँ बाइक वाला नहीं चलेगा, यहाँ कार वाला नहीं चलेगा, हैवी ट्रैफिक चलेगा, उसके बावजूद भी अगर हमसे दुर्घटना होती है तो जब कोई पैदल वाला हमारे सामने आएगा ही नहीं, तो दुर्घटना का मतलब क्या हुआ? कहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगा? आप तो पहले आप स्ट्रक्चर को तैयार करिए ना, तो इस कानून में बदलाव करें। और अगर करना है, ये हिट एंड रन कानून उनके ऊपर लागू होता है जो रात में फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देते हैं शराब के नशे में, बड़े बड़े आईएएस के बच्चे, आईपीएस के लड़के, और जाके चढ़ा देते हैं गाड़ियाँ फुटपाथ पर सोए हुए मजदूरों के ऊपर, ये हिट एंड रन कानून, उसके बाद भाग जाते हैं। ये हिट एंड रन कानून उनके ऊपर लागू करिए आप।
ये सर आप जो ट्रक बस चलाने वाले जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जो प्रदेश की जनता को एक दूसरे स्थान से पहुंचाने का काम देश के लोगों को कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर हिट एंड रन कानून लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें जो दारू पी के चलाते हैं उन पर लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास कोई दो सजेशन, कोई दो सलाह इस कानून को लेकर के, कोई प्रावधान में बदलाव, मतलब प्रावधान में बदलाव, जैसे भी 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, उसमें अगर कम करे सरकार तो क्या करे, किस हिसाब से करे? नहीं मैम, कम करने का धारा 304 एक थी, इन्होंने जो इंडियन पीनल कोड था उसमें बदलाव कर दिया, उसे न्याय संहिता का नाम दे दिया। हम उसके लिए उसके पक्ष विपक्ष में नहीं है, ना हमारा कोई चालक उसके भी, सरकार जो अच्छा काम करे हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखे कि आप जबरदस्ती किसी को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से 7 लाख रुपया एक ड्राइवर देगा? आप बताइए, इस ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया, इसकी हालत देख रहे हैं आप, ये बस चला के 10-12 हज़ार रुपया कमा रहे, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? आप बताइए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने से कोई भाग खड़ा होता है, कट से निकल के आ जाता है, टकरा जाता है, तो मामला तो सारा पुलिस के हाथ में दे दिया आपने। अब पुलिस कहे कि 2 लाख रुपया दो, नहीं तो आपके ऊपर हम 106 लागू करेंगे, हिट एंड रन कानून लागू करेंगे। और ये पब्लिक दौड़ाती है, ये भाग बचाव में भागेगा तो जरूरी, और अगर हम सूचना पुलिस को देते तो हम तो सीधे सीधे मुलजिम हो गए ना, कि अगर हम सूचना पुलिस को मैम दे रहे हैं तो आपको सूचना दे दी, तो आप कहेंगे फला नंबर से आया था, इसका पता नोट करो, पता आया हमारा नाम पता सब आ गया, उसके बाद कहेंगे आप तो मुलजिम हैं, उठा के हमको अंदर कर देगी पुलिस, हम अपनी बात कहाँ कहने जाएं ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरा यही है कि जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ़ ये कानून लागू होना चाहिए, उनमें बदलाव करें। सरकार के पास स्ट्रक्चर है, उनकी पुलिस है, उनके तमाम ब्यूरोक्रेसी है, लोगों को वो उनको सक्रिय करें ना, उनके पास मशीन है, शराब पीने वालों को गाड़ी चलाने पर अंकुश लगाएं। और हमारे यहाँ तो अगर मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बात करूँ, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है, हमारे यहाँ तो बराबर जितने चालक है, हमारे जितने चेकिंग स्क्वाड लगे हुए हैं, आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय ने लगा रखा है, बराबर रास्ते में चेकिंग होती है, सबकी शराब चेक की जाती है, ड्राइवरों को बाकायदा हमारे पास में मशीनें हैं, जो चेकिंग स्क्वाड हमारे रास्ते में है वो रात्रि में दिन में भी बराबर चेक करते हैं, अगर कोई शराब पी के हमारा चालक गाड़ी चलाते पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। सर उत्तर प्रदेश में कुल कितने चालक हैं? हमारे यहाँ तो करीब 55,000 कर्मचारी हैं, इसमें करीब 20 से 25 हज़ार के करीब चालक हैं हमारे पास में, 20 हज़ार के आसपास चालक हमारे पास में हैं। तो हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है, हम तो जनता की सेवा के लिए मैम बने हुए हैं ना, या तो सरकार इनके लिए करे, इनको सबको नियमित कर दे, जो नियमित कर्मचारियों का वेतन मिलता है, हर कर्मचारी को जब 40-50 हज़ार वेतन मिलेगा उसे क्षमता हो जाएगी चालक परचालक को, तो वो जुर्माना भी भुगतने के अधीन होगा, सरकार राज्य कर्मचारी घोषित कर दे इनको सबको, कि राज कर्मचारी है जो कुछ होगा स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, तो ये अपना अगर किसी को वेतन मिलेगा पैसा मिलेगा तो भुगतने को भी तैयार हो जाएगा, सारे जितने अंडा अनुबंधित से लेकर जितने भी चालक हैं सब राज कर्मचारी हो जाएंगे, सरकार घोषित करे, नहीं करेगी ना मैम, इसलिए क्योंकि 10,000 में हमसे मजदूरी कराने पर सरकार को भी मज़ा आ रहा है, उनको भी बहुत अच्छा काम लग रहा है, और जो ज्ञान नेता दे रहे हैं या आदरणीय मंत्री दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के वकील, मैं लगातार चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, लगातार इस कानून को लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक बार समझाएं अगर उनके बच्चे से एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो समस्या तब आएगी ना मैम, जब किसी आईएएस के लड़के से जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, या उसकी पत्नी से या उसकी बेटी से या आईपीएस के बच्चे से या मंत्री के बेटे से जब दुर्घटना होगी और कहेंगे दूसरे चालक से, जो नहीं कहते हैं ना कि चालक से कह देते तुम हाजिर हो जाओ अपने चालक से, फिर वो मना करके भाग जाएगा कि नहीं साहब मैं हाजिर नहीं होऊंगा, 10 साल की सज़ा मुझे हो सकती है इस दुर्घटना में, जब उनका बच्चा जेल जाएगा हिट एंड रन कानून में, इनके बच्चे को जेल जाने, उनकी पत्नी को जेल होगी, उनके इनकी बेटी को जब जेल जाने की नौबत आएगी तब समझ में आएगा हिट एंड कानून, ये कानून जो पास करे जिसमें ज्ञान बांटने वाले जो लोग हैं इन्हें तब समझ में आएगा कि इसके इसका मजा क्या होता है कानून का। बहुत बहुत धन्यवाद सर उनसे बात करने के लिए। तो रजनीश मिश्रा थे हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के जो प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस कानून में बदलाव होना चाहिए, कहा है कि वो इसके विरोध में नहीं है लेकिन लागू किस पे करना चाहिए ये उन्होंने बखूबी हमें बता दिया है। साथ में ये भी बताया है कि जो बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे उस पर भी रोक लगनी चाहिए, इससे भी भ्रम फैल रहा है और अभी भी कर्मचारी अपनी बात पर डटे हुए हैं, उनका कहना है कि इस कानून में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर करना चाहिए, तब तक ये लोग हटेंगे नहीं। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी जुड़े मेरे साथ, लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।